हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप सिंपल लिव बेटर। आज मैं इस वीडियो में बनाऊंगी ढाबा स्टाइल प्याज और मलाई की लजीज सब्जी। जब हम हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते बनाते बोर हो जाते हैं तो मेरी बताई हुई इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपको एक नया टेस्ट मिलेगा। बहुत ही कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ये सब्जी काफ़ी आसानी से लजीज बन जाती है। ऑनियन और क्रीम की जो ये करी है ना, इसे आप रोटी, नान या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल प्याज और मलाई की लजीज सब्जी बनाना। सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए देन हमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद मैं भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स जीरा। देन मैंने डाला है 1 ड्राई रेड चिली। इसके बाद हमें डालने हैं होल गरम मसाले। होल गरम मसाला से इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन मैंने डाला है 1 बे लीफ। इसके बाद मैं ऑनियन पेटल्स डाल रही हूँ, साथ में होल ग्रीन चिली मैंने डाला है। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टिर कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट में बनने वाली सब्जी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद हमें डालना है क्रस्ट जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली की पेस्ट। क्रस्ट वाली पेस्ट डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। फ्लेम को मीडियम रखना है जिससे कि ऑनियन पेटल्स जो है वो बर्न नहीं हो। इसके बाद हमें ड्राई मसाले डालने हैं। मैंने अभी डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल देने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। हल्दी पाउडर के बाद हमें डालना है कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर डालकर अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लें। फ्लेम को ध्यान रखें कि मीडियम रहे जिससे कि हमारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो भी बर्न नहीं हो। इसके बाद अच्छे कलर के लिए मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, साथ के साथ सब्जी तीखी भी नहीं बनती है। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हमें डालना है सॉल्ट टू टेस्ट। देन फ्लेम को लो कर देना है। उसके बाद हल्का सा फ्रेश क्रीम डालना है, घर में जो मलाई होती है ना उसे डालना है। बस ध्यान रखना है जब हम क्रीम डाल रहे हैं उस समय जो फ्लेम है वो लो रहनी चाहिए। मैंने क्रीम को डाल दिया है, अच्छे से सभी चीज़ों को मिला दिया है। इसके बाद हमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ के साथ एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देन मैंने डाला है 1 टीस्पून शुगर। ये ऑप्शनल है बट अगर डालेंगे आप तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर देना है। और आफ्टर 5 मिनट्स हमारी जो ये ढाबा स्टाइल लजीज सब्जी है ऑनियन और क्रीम की, वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने से कितनी टेम्प्टिंग एंड माउथ वाटरिंग लग रही है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला देना है। आई होप मैंने वीडियो को अच्छे से बताया है, आपको भी वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी फीचर्ड चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स को विजिट करें। थैंक यू सो मच।